वेलकम एविएटर्स टू फ्लाई रिंग एविएशन। टुडे इज 11th वीडियो ऑफ आर सीरीज एयरक्राफ्ट एक्सप्लेन्ड ए टू जी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटल मोर टेक्निकल। इस वीडियो में हम एयरप्लेन के एंटी आइस और डी आइसिंग सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। वी विल सी व्हाट दिस सिस्टम्स आर एंड हाउ डू दे वर्क। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। सो कमिंग टू द पॉइंट, एयरक्राफ्ट के एंटी आइस और डी आई सिस्टम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आइस एयरक्राफ्ट के लिए एक डेंजरस चीज़ कैसे है। अगर कोई एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है तो एयरप्लेन के जो पार्ट्स डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में होते हैं उन सब पर आइस एक्यूमुलेट होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि विंग के लीडिंग एजेस, इंजन के इनटेक शेल्स, विंड स्क्रीन्स, टेल स्टेबिलाइजर्स के लीडिंग एज, एयरक्राफ्ट के सेंसर और टर्बोप्रॉप एयरप्लेन में उनके प्रोपेलर्स। अगर बर्फ़ विंग के लीडिंग एज पर जम जाए तो इससे विंग के ऊपर का एयर फ्लो खराब हो जाता है, जिससे कि लिफ्ट कम हो जाती है, ड्रैग और वेट बढ़ता है, जो कि एयरप्लेन की परफॉर्मेंस को ख़राब करता है और एयरप्लेन स्टॉल में जा सकता है। और अगर ये बर्फ़ एयरप्लेन के सेंसर्स जैसे पिटर ट्यूब, स्टैटिक पोर्ट और अल्फा वेन पर जमा हो जाए तो इससे पायलट को एयरप्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड की गलत रीडिंग मिल सकती है, जिससे कि फ्लाइंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस बर्फ़ का एयरप्लेन पर एक्यूमुलेट होना काफ़ी डेंजरस है। सबसे पहले समझते हैं कि एयरप्लेन पर जमने वाली बर्फ़ कितनी तरह की होती है और एयरप्लेन पर बर्फ़ जमने की क्या कंडीशन होती है। किसी भी एयरप्लेन पर जमने वाली बर्फ़ चार तरह की होती है। नंबर वन इज राइम आइस। इस बर्फ़ की पहचान ये है कि ये टोटली वाइट कलर की होती है और काफ़ी रफ़ होती है। इस बर्फ़ के आर पार नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसमें प्रेजेंट एयर बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि ये आइस काफ़ी ओपेक हो जाती है। ये आइस एकदम से फ्रीज होती है। दूसरी है क्लियर आइस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आइस ट्रांसपेरेंट और मोस्टली स्मूथ होती है। ये बर्फ़ थोड़ी देर से फ्रीज होती है, जिससे कि इसमें प्रेजेंट एयर को बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है, जो कि बर्फ़ को ट्रांसपेरेंट बनाता है। ये आइस काफ़ी सॉलिड होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। तीसरी आइस है मिक्स्ड आइस। जब एयरप्लेन पर राइम आइस और क्लियर आइस दोनों जम जाए तो इसे मिक्स्ड आइस बोलते हैं। और फोर्थ है रेन आइस। रेन आइस भी एकदम से फ्रीज होती है, इसलिए फ्लाइट के दौरान ये काफ़ी डेंजरस होती है। जब रेन हो रही हो तो क्लाउड्स और क्लाउड्स के ऊपर का टेम्परेचर गर्म और क्लाउड्स के नीचे का टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के कारण फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा ठंडा होता है। और जब एयरप्लेन इस सिचुएशन से गुजरता है तो उसकी स्किन पर एकदम से बर्फ़ जम जाती है, जो कि एयरप्लेन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पायलट बड़े बड़े बादलों के बीच से फ्लाई करने के बजाय डेविएशन ले लेते हैं। इसे वेदर डेविएशन बोलते हैं। एयरप्लेन पर आइस तब जमती है जब बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि इतने टेम्परेचर में मॉइस्चर काफ़ी ठंडा होता है और जैसे ही उसे कोई सरफेस मिलती है वो वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। पर -40 डिग्री से नीचे बर्फ़ एयरप्लेन पर नहीं जमती, क्योंकि इस कंडीशन में मॉइस्चर एयरप्लेन के साथ टकराने से पहले ही फ्रीज होता है और नॉन स्टिकी भी होता है, जिससे कि एयरप्लेन पर बर्फ़ जमने का खतरा नहीं रहता। आइस को तो आपने समझ लिया कि ये कितनी तरह की होती है और ये कौन कौन से टेम्परेचर में फ्रीज होती है। अब देखते हैं कि एयरप्लेन के अंदर पायलट्स आइस को कैसे डिटेक्ट करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में दो तरह के आइस डिटेक्टर्स होते हैं जो कि एयरप्लेन पर आइस को डिटेक्ट करते हैं। नंबर वन इज एक्रीशन आइस डिटेक्टर्स एंड नंबर टू इज इन्फरेंशियल आइस डिटेक्टर्स। एक्रीशन आइस डिटेक्टर्स वो डिटेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आइस को डिटेक्ट करते हैं, जबकि इन्फरेंशियल डिटेक्टर्स आइस को नहीं बल्कि आइस जमने वाली कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि बाहर का एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। एक्रीशन आइस डिटेक्टर्स 6 तरह के होते हैं। पायलट आई, टेडिंगडन आइस डिटेक्टर, स्मिथ आइस डिटेक्टर, इंग्लिश इलेक्ट्रिक या नेपियर आइस डिटेक्टर, रोज माउंट आइस डिटेक्टर और बीटा पार्टिकल आइस डिटेक्टर। जबकि इन्फरेंशियल आइस डिटेक्टर्स 2 तरह के होते हैं। सेंगेमो वेस्टर्नाइज्ड आइस डिटेक्टर और TAT प्रोब, यानी टोटल एयर टेम्परेचर प्रोब। एक्रीशन आइस डिटेक्टर के पहले डिटेक्टर को समझते हैं, जो कि पायलट की अपनी आंखें होती है। जब पायलट को एयरप्लेन के विंड स्क्रीन वाइपर्स के नीचे, वाइपर्स के बोल्ट या किसी और भी पार्ट पर बर्फ़ दिखे तो पायलट समझ जाता है दिस इज आइसिंग कंडीशन।
टेडिंगटन आइस डिटेक्टर में एक एयरफॉइल मैस्ट होती है जो कि पायलट को विजिबल होती है। अगर इस पर बर्फ जम जाए तो अगेन इट इज़ आइसिंग कंडीशन। इसी की एक टाइप एयरबस A320 की विंडशील्ड के बीच इंस्टॉल होती है। स्मिथ आइस डिटेक्टर में एक होलो ट्यूब होती है जिसमें कि 4 होल्स लीडिंग एज पर और 2 होल्स ट्रेलिंग एज पर होते हैं। बीच में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। जब एयर इसमें से निकलती है तो इससे एयर प्रेशर इंक्रीज होता है जो कि इस कैप्सूल को फुला कर रखता है। और अगर ये होल्स बर्फ जमने के कारण बंद हो जाए तो इसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है जिससे कि ये कैप्सूल श्रिंक हो जाएगा और आइस डिटेक्शन की वार्निंग देगा। इंग्लिश इलेक्ट्रिक या नेपियर आइस डिटेक्टर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें कि एक सीरेटेड शाफ्ट होती है, उस पर टूथ गियर इंस्टॉल होता है, उसके साथ ही एक नाइफ एज माउंट किया होता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ये सारी असेंबली घूमती है और ये डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में होती है। अगर इस टूथ गियर पर बर्फ जम जाए तो ये नाइफ एज उस बर्फ को काटता है और इस शाफ्ट को घुमाने के लिए मोटर का काफ़ी टॉर्क लगता है और ये इंक्रीज्ड टॉर्क कॉकपिट में आइस डिटेक्शन की वार्निंग देता है। अगला डिटेक्टर है रोज माउंट आइस डिटेक्टर। इस आइस डिटेक्टर में एक प्रोब वाइब्रेटिंग हाउसिंग पर अटैच होती है। जब एयरप्लेन ट्रैवल करता है तो ये वाइब्रेटर इस प्रोब को वाइब्रेट करता है। अगर इस पर बर्फ जम जाए तो इसका वेट इंक्रीज होने के कारण वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी जो कि कॉकपिट में आइस डिटेक्शन की वार्निंग देगी। लास्ट डिटेक्टर है बीटा पार्टिकल डिटेक्टर। इसमें 2 प्रोब्स होती हैं। इसमें से आगे वाला एमिटर और पीछे वाला रिसीवर होता है। एमिटर बीटा पार्टिकल एमिट करता है और रिसीवर उन्हें सेंस करता है। एमिटर आगे होने के कारण इस पर बर्फ जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस पर बर्फ जम जाए तो इसकी बीटा पार्टिकल एमिट करने की पावर कम हो जाती है, या ऐसा समझ लीजिए कि ये ब्लॉक हो जाता है और रिसीवर को फुल पार्टिकल्स नहीं मिल पाते जिससे कि ये आइस डिटेक्शन की वार्निंग देता है। इसके बाद इन्फरेंशियल आइस डिटेक्टर को समझते हैं जो कि आइसिंग कंडीशन को डिटेक्ट करता है। पहला सेंसर है सेंगेमो वेस्टर्न आइस डिटेक्टर। इस डिटेक्टर में 2 सेंसिंग एलिमेंट होते हैं, एक थर्मल डिटेक्टर और एक मॉइस्चर डिटेक्टर। ये दोनों सेंसिंग एलिमेंट हीट होते हैं। अगर कोल्ड एयर और ह्यूमिडिटी के कॉन्टैक्ट में आने के कारण फ्रंट वाला सेंसर ठंडा हो जाए तो नीचे वाला मॉइस्चर डिटेक्टर इस ठंडे और गर्म सेंसर के डिफरेंस को सेंस करता है और ऊपर वाला थर्मल सेंसर भी इस डिफरेंस को सेंस करता है। और जब दोनों सेंसर्स सेटिस्फाई हो जाएं तो ये कॉकपिट में आइस डिटेक्शन की वार्निंग देते हैं। और सबसे लास्ट वाला सेंसर जो कि अब मोस्टली एयरलाइनर्स में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ TAT प्रोब, मीन्स टोटल एयर टेम्परेचर प्रोब, जो कि कॉन्स्टेंटली बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता रहता है और कॉकपिट में इसकी इंडिकेशन देता रहता है। इस TAT प्रोब में एक एग्जिट होल और छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब इस प्रोब में एयर एंटर होती है तो पोर्स में से हाई प्रेशर फ्लो बाहर निकल जाता है और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर पीछे से निकल जाता है। रिमेनिंग लो प्रेशर एयर को ये प्लेटिनम सेंस करता है और कॉकपिट में बाहर के टेम्परेचर को शो करता है। ये सेंसर एयरप्लेन के फ्यूजलेज के साइड में इंस्टॉल होते हैं ताकि फ्यूजलेज के साथ अटैच एयर डायरेक्टली इसमें एंटर हो सके। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आइस को एयरप्लेन पर कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और अब समझते हैं कि इस बर्फ़ को एयरप्लेन पर जमने से कैसे रोका जाता है। इसको रोकने के लिए एयरप्लेन में एंटी आइस और डी आइस सिस्टम लगाए जाते हैं। पर सबसे पहले इन टर्म्स को समझते हैं। डी आइसिंग का मतलब होता है कि एयरप्लेन पर बर्फ़ जम चुकी है और अब इसको पिघलाना है। पर एंटी आइस का मतलब होता है कि एयरप्लेन पर बर्फ़ को जमने ही नहीं देना है। इसके लिए एयरप्लेन पर 4 आइस प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड लिक्विड आइस प्रोटेक्शन सिस्टम। मैकेनिकल आइस प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूमेटिक बूट्स होते हैं जो कि नेचुरल और सिंथेटिक रबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इनमें अलग अलग न्यूमेटिक स्ट्रिप्स होती हैं जो कि हवा भरने से एकदम से इन्फ्लेट हो जाती हैं। इनको इन्फ्लेट करने के लिए इंजन के ब्लीड एयर में से कंप्रेस्ड एयर ली जाती है। जब विंग के लीडिंग एज पर बर्फ जम जाती है तो पायलट विंग एंटी आइस या डी आइस का स्विच ऑन करता है जिससे कि ये बूट्स एकदम से इन्फ्लेट हो जाते हैं और उन पर जमी बर्फ टूट जाती है और विंग से आइस रिमूव हो जाती है। अगला है इलेक्ट्रिकल आइस प्रोटेक्शन सिस्टम।
इस इलेक्ट्रिकल आइस प्रोटेक्शन सिस्टम में हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि उन सब कंपोनेंट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि साइज में काफ़ी छोटे और कम्प्लेक्स होते हैं, जहां कोई और आइस प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं यूज़ किया जा सकता, जैसे कि एयरप्लेन के सेंसर्स, प्रोपेलर्स और विंड स्क्रीन्स। अगर आपको विंड स्क्रीन की एंटी आइस को समझना है तो आप हमारी कॉकपिट विंडोज़ वाली वीडियो से समझ सकते हैं। इन सभी सेंसर्स में एक हीट एलिमेंट होता है जिसे कि पायलट मैन्युअली स्विच ऑन करता है जब उसे पता चलता है कि बाहर आइसिंग कंडीशन हो गई है। प्रोपेलर के लीडिंग एजेस पर भी हीट एलिमेंट्स इंस्टॉल होते हैं जो कि बर्फ़ को पिघलाते हैं, पर टर्बोप्रोप एयरप्लेन में इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इन एयरप्लेन्स में प्रोपेलर फ्यूजलेज के साथ इंस्टॉल होते हैं और अगर बर्फ जमने के बाद इन हीट एलिमेंट्स को ऑन किया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बर्फ प्रोपेलर के चारों ओर बिखरेगी और ज़्यादातर बर्फ फ्यूजलेज पर स्ट्राइक करेगी जो कि फ्यूजलेज को डैमेज कर सकती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टर्बोप्रोप एयरप्लेन्स हैव दिस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर ऑन देयर फ्यूजलेज जो कि फ्यूजलेज को प्रोटेक्ट करती हैं। इन इलेक्ट्रिकल आइस प्रोटेक्शन सिस्टम को अब और भी एडवांस बनाया जा रहा है। इसके लिए हीटिंग एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग इंसुलेशंस चढ़ाकर इलेक्ट्रो थर्मल प्रोटेक्टर्स बनाए जाते हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में इसी इलेक्ट्रो थर्मल आइस प्रोटेक्शन सिस्टम को यूज़ किया गया है। इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि इंजन में से ब्लीड एयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंजन का ऑप्टिमम यूज़ किया जा सकता है जिससे कि फ्यूल लेस बर्न होता है। जब भी एयरप्लेन पर बर्फ एक्यूमुलेट होती है तो इन इलेक्ट्रो थर्मल लेयर्स को ऑन कर दिया जाता है जो कि गर्म होकर सारी बर्फ़ को पिघला देते हैं। तीसरा आइस प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि एविएशन इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक और हॉट ब्लीड एयर सिस्टम। इस सिस्टम में इंजन के लो या हाई कंप्रेसर में से कंप्रेस्ड एयर ली जाती है और उसको एक प्रे कूलर में थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। देन इस कंप्रेस्ड हॉट एयर को पाइपिंग की हेल्प से एयरप्लेन के लीडिंग एज में इंस्टॉल पिकोलो ट्यूब्स में भेजा जाता है। इस पिकोलो ट्यूब्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हॉट एयर को विंग के लीडिंग एज में भेजते हैं और हॉट एयर लीडिंग एज को गर्म करके बर्फ को पिघलाने के बाद होल्स में से बाहर निकल जाती है। इंजन के फ्रंट इनटेक में भी बर्फ जम जाती है तो इसमें भी कंप्रेस्ड एयर डायरेक्ट कर दी जाती है जो कि इन ट्यूब्स में जाती है और इन होल्स की हेल्प से बाहर निकलकर इंजन के फ्रंट को गर्म करती है और इस एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है। पर विंग एंटी आइस को ऑन करने से पहले इंजन को कंटिन्यूस पर करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंजन पर बर्फ जमा होगी और विंग एंटी आइस को ऑन कर दिया गया तो चांसेस है कि बर्फ टूट कर और पिघल कर इंजन में चली जाएगी जिससे कि इंजन के ब्लेड टूट सकते हैं और इंजन फ्लेम आउट हो सकता है। सो इसे रोकने के लिए इंजन को कंटिन्यूस पर किया जाता है जिससे कि इंजन के अंदर इग्निशन कंटिन्यूस हो जाती है और इंजन फ्लेम आउट या बंद होने से बच जाता है। कॉकपिट में इंजन एंटी आइस, विंग एंटी आइस और प्रोब हीट का अलग अलग स्विच होता है। इसके बाद सबसे लास्ट वाले आइस प्रोटेक्शन सिस्टम को देखते हैं। इसे लिक्विड प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक रिजर्वायर के अंदर एंटी आइस ऑयल होता है जो कि पाइप्स की हेल्प से एयरप्लेन के अलग अलग कंपोनेंट्स तक भेजा जाता है। इन पाइप्स में पोर्स या होल्स होते हैं जिससे कि ऑयल बाहर निकलता है और एयरप्लेन की सरफेस पर फैल कर वहाँ से बर्फ को रिमूव कर देता है। पर अब इस सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ऑयल ख़त्म होने के बाद एयरप्लेन को डीआइस नहीं किया जा सकता और अगर ज़्यादा ऑयल कैरी किया गया तो वो अननेसेसरी वेट होगा। इसलिए मोस्टली एयरलाइनर्स में इलेक्ट्रिकल और हॉट ब्लीड एयर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। इन सब के अलावा एयरक्राफ्ट का अपना एंटी आइस और डी आइसिंग होने के साथ साथ एयरप्लेन को ग्राउंड पर भी डी आइस किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सारी रात ठंड में पार्क्ड रहने के कारण एयरप्लेन में फ्रोस्ट आइस एक्यूमुलेट हो सकती है और एयरप्लेन के डी आइसिंग या एंटी आइस सिस्टम सिर्फ कुछ ही हिस्सों पर इंस्टॉल होते हैं, तो पूरे एयरप्लेन में से आइस हटाने के लिए प्रोपीलीन ग्लाइकोल स्प्रे की जाती है जो कि काफ़ी टॉक्सिक होती है, पर साथ में ही एंटी आइसिंग और आइस रिपेलेंट भी होती है जिससे कि फ्लाइट के दौरान एयरप्लेन पर बर्फ जमने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंटी आइस या डी आइसिंग को पूरी फ्लाइट के दौरान ऑन नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए इंजन में से ब्लीड एयर यूज़ की जाएगी और इंजन का थ्रस्ट कम हो जाएगा और थ्रस्ट को इंक्रीज करने के लिए फ्यूल ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा।
इसलिए जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या फिर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, रेन या आइस दिखे, तभी एंटी आइस या डी आइस को स्विच ऑन किया जाता है। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको एयरक्राफ्ट के आइस प्रोटेक्शन सिस्टम की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी और आपने इनको ध्यान से समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।